नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए कर नई वीडियो की। आज पहले मैं रिव्यू देने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और समय समय पर उन सारे कमेंट्स के उत्तर देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब जब आपने कुछ ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स लिए हुए हैं जो बेहतरीन कंपनियां हैं, और अभी जब पता है कि पूरे भारतीय बाज़ार में गिरावट है और उनमें भी काफ़ी 50% के आसपास भी गिरावट आ चुकी है, और ऐसे सिचुएशन में आपका पैसा आधा हो चुका है और आप मुझसे पूछते हैं कि क्या करें। जाहिर सी बात है, आपने भरोसा जताया है और आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन पे आप 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लगाया था पैसा। तो आप भरोसा करिए, मार्केट के अच्छे दिन भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले 1.5 साल से, 1 साल से अगर गिरावट है तो आने वाले समय में हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक जैसा मार्केट नहीं चलता, ठीक है? और नए बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है जो अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहें। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा एक एक स्टॉक्स की कौन सी कंपनी अच्छी। मैं अपने चैनल्स पे कुछ अच्छी कंपनियों के बारे में बात करता रहता हूँ, और अच्छी कंपनियों का मतलब ये भी नहीं कि कुछ सेक्टर्स अभी जैसे कि गिरे हुए हैं और उन पे अभी 2-3 साल तक कुछ सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो उसमें भी आप ख़रीदारी करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर में लगाना चाहिए पैसा और आपका लंबा टारगेट है 5 साल 10 साल, तो आप थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स के बनाइए, लेकिन एक साथ किसी सेक्टर में या एक स्टॉक में पैसा मत फंसाइए अगर आप निवेशक हैं लंबे समय के लिए तो। और जनरली मैं, मेरा जो चैनल है लॉन्ग टर्म शेयर्स, वो लंबे समय के नाम से ही है तो ज़रूर जाहिर होता है। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। लेकिन कुछ ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि कुछ ऐसी कंपनियां ले रखे हैं जिनका मुझे जवाब देना क्या होता है। दो चीज़ें होती हैं जब गिरावट होती है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो कैप कंपनियां। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपने रिसर्च करके या आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपने मशवरा करके लिया रहा होगा, तो ऐसे में क्या सलाह दूँ आप बताइए। मार्केट कहाँ तक जाएगा, कौन सा स्टॉक कितने नीचे तक गिरेगा, या किसी कंपनी में अंदर क्या धांधली हो रही है, हम आप जैसे को किसी को नहीं मालूम पड़ जाता। बड़े बड़े दिग्गजों का पैसा फंसा होता है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के जो फंड मैनेजर होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। ऐसे में यही आपको देखना होगा कि जनरली किसी स्टॉक या किसी कंपनी के बारे में जब आप लेने जा रहे हैं शेयर, तो उसमें काफ़ी अच्छी स्टडी करें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं काफ़ी अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स बताता रहता हूँ समय समय पे। ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं कुछ कंपनियों के बताता रहता हूँ, जैसे भारतीय स्टेट बैंक हो गई, मैंने ITC के बारे में बताया था, मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में बताया, मैंने मन्नापुरम के बारे में बताया है। उन पूरा वीडियो देखिए, सिर्फ थंबनेल देख के आप ख़रीदारी मत करिए। मैंने अशोक लीलैंड के बारे में बताया था, लेकिन ऑटो सेक्टर में भी टाइम लगेगा। ऑटो सेक्टर के साथ साथ उसी से जुड़ी हुई, उसी से रिलेटेड कंपनियाँ होती हैं ऑटो एंसिलरीज की, जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती हैं उसी से संबंधित होती हैं। टायर की कंपनियां भी उसी से रिलेटेड होती हैं। तो इस तरीके से ध्यान देने वाली बात यही है हमारे लिए कि हम लोग पेशेंस से और पूरा पैसा बचाते हुए कुछ कुछ इन्वेस्ट करें। हालांकि यहाँ अपॉर्चुनिटी है ख़रीदने की। अगर आप चाहें लंबे समय के निवेशक हैं तो कुछ स्टॉक्स अच्छी कंपनियों के लें जिनके फंडामेंटल हम बताते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। आज की जो कंपनी है टाटा ग्रुप की है, मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा, टाटा ग्रुप की है टाइटन कंपनी। तो टाइटन के देखिए ज्वेलरी से रिलेटेड है, टाटा हाउस है, और टॉप सेगमेंट्स में ज्वेलरी से जो इनका है तनिष्क, इनका जो मेन ब्रांड है, शोरूम्स हैं, 82% इनका रेवेन्यू वहाँ से आता है। वॉचेस से जो फैंसी घड़ियाँ हैं 12% से ज़्यादा की उससे रेवेन्यू आता है। आईवीआर चश्मे वगैरह ये सबसे उनको जो है 2.6% की आमद है। अपनी इंडस्ट्री में टाइटन नंबर 1 है। तो जो नंबर 1 कंपनी होती है, जो लीडर कंपनियां होती है, आप ऐसे स्टॉक्स को चुने, लेकिन किस रेट पे चुने वो देखने के बाद आप डिसाइड करें और कितना लें, थोड़ा सा लें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उनकी वेबसाइट है, तो अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट्स में वॉचेस एंड एक्सेसरीज डिवीज़न। देखिए कोई भी स्टॉक जानने से पहले आपको थोड़ा उसके बेसिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जानना ज़रूरी है कि क्या, जैसे खाने पीने की जो कंपनियां होती है FMCG की, उनमें ये पता रहता है कि भाई ये तो बंद नहीं होने वाली, इसके बिस्किट बनाना तो बंद नहीं होगा, भले ही चाहे गाड़ियां बंद हो जाएं, इलेक्ट्रिक हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कह दिया जाए पोल्यूशन के लेके, तो बंद हो जाती ना गाड़ियाँ। तो
इन सब में जो फैशन वाली चीज़ें हैं, सोना, घड़ियां, ये सब कभी बंद नहीं होने वाला। लोगों को बड़ा शौक है, लोग दिन ब दिन जो है फैशन करते हैं और इसकी डिमांड बनी रहेगी। तो वॉचेस एंड एक्सेसरीज डिवीज़न में टाइटन आती है, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, जू, ऑक्टेन, जाइलिस, हिलियस, टाइटन रागा, फॉरवेल क्यूबा, एनेबुला। ज्वेलरी में आते डिवीज़न में तनिष्क, मिया, जोया, कैरलिन। एंड आई वी डिवीजन में आता टाइटन आई प्लस। न्यू बिजनेसेस में स्किन एंड टेनेरियस। एनीवेज, तो ये इनके ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पहले देखते हैं तो 26% का है, ज़बरदस्त है, शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा, काफ़ी आकर्षक, अट्रैक्टिव, 25% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ देखिए इसकी 20% है और फेस वैल्यू एक की है। 52 वीक लो बनाया था 731 और हाई 1340। और आज का जो भाव है वो भी हम बता देते हैं कि 1020 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा। आज है 8 अगस्त 2019, 12:45 हो चुके हैं, 9 रुपये डाउन है और BSE पे। और जो मार्केट कैप है इसकी 91,000 करोड़ की है। EPS है 16 का, PE है 63 का, जबकि इंडस्ट्री 57 की है और डिलीवरी है इसकी 37% के आसपास। तो अब इसके हम रिजल्ट्स भी देख देते हैं, Q1 के आ चुके हैं तो किस प्रकार के रहे। देखिए मार्च 19 से जून 19 को अगर कंपेयर करते हैं नेट सेल्स में, तो यहाँ 5.63% की अपसाइड है जो कि एक शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27% से ज़्यादा की अपसाइड है, शानदार है। शुद्ध लाभ जहाँ मार्च 19 में था 353 करोड़, वही जून 19 में हो गया 366 करोड़, यानी 3.56% अपसाइड है। मार्जिन में भी यहाँ 1.96% की अपसाइड, ध्यान देने वाली बात है। और अगर हम ईयरली यानी ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स में अगेन यहाँ पे 15% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 18% से ज़्यादा की अपसाइड है और शुद्ध लाभ में यहाँ पे जो है 10% से ज़्यादा की अपसाइड है और मार्जिन में भी यहाँ पे 0.28% की अपसाइड है। तो बहुत शानदार इनके रिजल्ट्स रहे हैं। तो प्रमोटर्स के पास 52% से ज़्यादा की होल्डिंग है और 754 FIIs हैं इसमें। और राकेश झुंझुनवाला साहब ने भी देखिए इनमें ज़बरदस्त होल्डिंग बनाई है, इन्होंने बहुत पैसा कमाया है इस कंपनी से। 5.75% की वर्तमान स्थिति दिख रही है जून क्वार्टर के समय। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 16 पॉइंट के आसपास। तो एक शानदार कंपनी है और फ्रेंड्स वैल्यूएशन थोड़ा ज़रूर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्राइस बड़ा थोड़ा सा, अगर और नीचे के लेवल पे आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपका लंबा समय है कि मुझे भाई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 साल से 3 साल, 10 साल आपका लंबा समय है, तो ज़रूर आप इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल डेट है इनके पास 2,287 करोड़, खैर कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से एक शानदार कंपनी है और इस समय थोड़ा सा अभी रुक जाए और हो सकता है कि इसमें गिरावट आए, हालांकि फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं तो गिरावट की संभावना कम है। और ऐसी कंपनियों में और थोड़ी थोड़ी चाहें तो बाइंग करें आप लंबे समय के लिए, और पूरा पैसा कभी मत डालें इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।